हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये बीएससी का, एमएससी का, इवन या आपके अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो तो वहाँ पर भी एंडोक्राइनोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। कई बार वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो इसीलिए एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसी का एक टॉपिक है, ठीक है? एक ग्लैंड ही है ये, तो हम इसको पढ़ेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाता है और कई बार इसको शॉर्ट में भी दे देते हैं, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि डकलेस ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो डकलेस ग्लैंड्स होते हैं और जो डायरेक्टली अपने सिक्रीशन को पोर करते हैं इन ब्लड, ठीक है? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम में आपके डिफरेंट ग्लैंड्स आते हैं एंड द हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम देम। अब क्या होता है, देखो, हाइपोफाइसिस भी कहते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो साइज होता है वो पी साइज ग्लैंड होता है जिसका वेट 0.5 ग्राम्स होता है, ठीक है? और क्या चीज होती है कि स्मॉल स्ट्रक्चर होता है ये, और लोकेटेड कहाँ पे होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द सेला टर्सिका ऑफ सिफेनॉइड बोन। ब्रेन में होता है प्रेजेंट, लेकिन कहाँ पे होता है? सेला टर्सिका ऑफ सिफेनॉइड बोन। देखो, जो हमारा स्कल होता है वो 22 बोन से बना हुआ होता है, उसमें से सिफेनॉइड बोन भी एक बोन होती है। तो वहां पे क्या होता है कि एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर, एक डिप्रेशन होता है जहां पे वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाउस्ड रहता है एक तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका ऑफ सिफेनॉइड बोन। अगर मैं आपको फर्स्ट इमेज में बताऊं तो ये आपका क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और सेकंड इमेज दिखाओ तो ये आपकी क्या होती है, सिफेनॉइड बोन होती है, और ये क्या होता है, आपका डिप्रेशन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो लोकेटेड रहता है। तो ये है देखो सेला टर्सिका, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। इन डायग्राम्स का आप यूज कर सकते हैं और अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्स में, और यहाँ तक कि समझने के लिए भी, ठीक है? फिर आता है कि ये एक मेन एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ऑब्वियसली, क्योंकि पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ इनफंडिबुलम, ठीक है? इनफंडिबुलम की हेल्प से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से अटैच रहता है। इनफंडिबुलम एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बेसिकली ब्लड वेसल्स और नर्व से बना हुआ होता है, और यही इनफंडिबुलम से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आपस में अटैच रहते हैं। अब क्या होता है कि सेवरल जो हॉर्मोन्स है वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है, जो कि डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस को कैरी आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है? तो ये था आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। मार्क्स को मैं रिमूव कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकेंड स्लाइड में अगर हम आते हैं, सेकेंड स्लाइड में अगर आते हैं तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो क्या होता है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द जगह यही बताया गया है कि दो मेजर पार्ट्स होते हैं ह्यूमंस में पिट्यूटरी ग्लैंड के, ठीक है? यही बताया गया है कि दो मेजर पार्ट्स होते हैं, कुछ बुक्स में आपको थ्री भी दिया गया है। अब देखो, दो मेजर पार्ट्स अगर मैं बात करूं तो एक होता है आपका लार्ज एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है आपका स्मॉल पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कई जगहों पे ये भी आपको मेंशन है कि इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, तीन लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, और एक आपका होता है इंटरमीडिएट लोब। एक इंटरमीडिएट पिट्यूटरी भी होता है जो कि मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करता है। वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है मैंने, क्योंकि मेनली दो मेजर पार्ट्स को हमारा डिस्कस करने का मोटिव है, ठीक है? बट वो भी आप मेंशन करेंगे कि इसके तीन लोब्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, और एक इंटरमीडिएट लोब भी होता है, इंटरमीडिएट पार्ट भी होता है। हम यहाँ पे दो मेजर पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है उसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, और ये ग्लैंडुलर लोब होता है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है, इसीलिए हम इसको ग्लैंडुलर लोब कह रहे हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है, जैसे कि ग्रोथ,
आपकी बॉडी में, लैक्टेशन हो गया, मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, रिप्रोडक्शन, स्ट्रेस, तो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को ये रेगुलेट करता है। जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं ना वो रेगुलेट करते हैं बेसिकली। अब क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो डिफरेंट पेप्टाइड हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। देखो हार्मोन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, प्रोटीन्स हार्मोन्स होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी डिफरेंट पेप्टाइड हार्मोन्स को सिक्रेट करता है जो कि अपने टारगेटेड ऑर्गन्स या ग्लैंड्स में जाते हैं और उसके बाद उनको स्टिमुलेट करते हैं ताकि फिर वो आगे अपना फंक्शन परफॉर्म करे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, तो वो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और फिर एड्रिनल ग्लैंड जाके आगे अपना सिक्रीशन रिलीज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक रेगुलेटरी फंक्शन हमें मिल जाता है, रेगुलेशन होता है। एक जो हार्मोन है वो दूसरे, एक हार्मोन जो एक पर्टिकुलर ग्लैंड से सिक्रीट हुआ है वो दूसरे ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है, उसको रेगुलेट करता है और वो फिर आगे अपना सिक्रीशन करता है। तो इस तरीके से एक रेगुलेटरी फंक्शन मिल जाता है, ठीक है हमको। अब दो पोर्शन होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, एक पार्स डिस्टेलिस, एक पार्स इंटरमीडिया। ह्यूमंस में जो पार्स इंटरमीडिया होता है वो ऑलमोस्ट पार्स डिस्टेलिस के साथ मर्ज हो जाता है, ठीक है। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो कैसे रेगुलेट होता है, इट इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं, हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करता है जो आगे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको रेगुलेट करता है कि उसको कौन सा हार्मोन सिक्रीट करना है नहीं करना है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, देखो हार्मोन्स ना जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो सप्रेसिंग हार्मोन्स होते हैं, एक रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं। सप्रेसिंग हार्मोन्स क्या करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीशन है उसको इनहिबिट कर देंगे, हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं होने देंगे, वो होते हैं सप्रेसिंग हार्मोन। और रेगुलेटरी हार्मोन क्या करते हैं, जो हार्मोन के सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं, वो किसी ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करेंगे और उसके बाद स्टिमुलेशन की वजह से उससे क्या होगा, रेगुलेट करेंगे, जिस वजह से वो ग्लैंड आगे क्या करेगा, अपना सिक्रीशन करेगा। तो जो ये दो हार्मोन्स हैं सप्रेसिंग और रेगुलेटरी, ये कहाँ से आते हैं, हाइपोथैलेमस से आते हैं। हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस होता है सप्रेसिंग और रेगुलेटरी हार्मोन्स का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अब क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो 7 हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो 7 हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। अब कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रेट करता है ये हम फर्दर वीडियोज में डिस्कस करेंगे डिटेल में, अलॉन्ग विद देयर फंक्शन, कि क्या उनका फंक्शन रहता है। तो मार्क्स मैं यहाँ पर रिमूव कर देती हूँ। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर मैं बात करूँ तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, पोस्टीरियर लोब भी आप कह सकते हो, स्मॉल होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एंटीरियर पिट्यूटरी। तो क्या होता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। अब हम न्यूरोहाइपोफाइसिस को क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है ना, इसको समझना थोड़ा ध्यान से। हाइपोथैलेमस क्या होता है कि वो डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरॉन से बना हुआ होता है, ठीक है। अब न्यूरॉन्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, एक न्यूरॉन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे उसमें आपको एक्सॉन्स मिलेंगे, डेंड्राइट्स मिलेंगी, नर्व एंडिंग्स मिलेंगी, ये सब उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर सबसे पहले न्यूरॉन का भी स्ट्रक्चर देखिएगा। तो वहां पे क्या होता है कि जो एक्सॉनल प्रोजेक्शंस हैं, बेसिकली जो एक्सॉन्स होते हैं, जो एक्सॉनल प्रोजेक्शंस है बेसिकली, वो एक्सटेंड करते हैं टुवर्ड्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के टुवर्ड्स वो एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, एक्सटेंड करते हैं। और वहां पर उस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, लार्जली एक कलेक्शन बन जाता है एक्सॉनल प्रोजेक्शंस का। अब क्या है, वहां पे न्यूरॉन्स के क्या है, जो एक्सॉन्स हैं उनका कलेक्शन है, तो इसीलिए हम उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, जो क्या होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचने से पहले ही टर्मिनेट हो जाते हैं। तो न्यूरॉन्स जो है, कोई भी पार्ट उसका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं एंटर करता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से पहले ही क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होते हैं वो टुवर्ड्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सटेंड करते हैं और एक एक्सॉनल प्रोजेक्शन का एक कलेक्शन बन जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, एक कलेक्शन होता है, तो इसीलिए हम उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं।
अब सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई भी हार्मोन नहीं बनता है, कोई हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। बट हाँ, दो हार्मोन्स हैं जो वहां पे स्टोर रहते हैं, और जब उनकी जरूरत होती है बॉडी में, रिक्वायर्ड रहते हैं वो, तो वहां पे तब क्या होता है, उन दो हार्मोन्स का रिलीज हो जाता है। अब देखो क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई हार्मोन नहीं बने, कोई हार्मोन्स की सिंथेसिस नहीं होती है कभी भी नहीं, लेकिन हाँ वहां पे हार्मोन्स स्टोर जरूर रहते हैं और रिलीज होते हैं वहां से। अब जो ये हार्मोन स्टोर है, ये कहाँ बनते हैं? वो जो स्टोर्ड हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं? हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं। जो हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हैं और वहां से रिलीज होते हैं, वो एग्जैक्टली कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं। और वो हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कैसे जाते हैं? दे आर ट्रांसपोर्टेड एक्सॉनली, एक्सॉन्स के थ्रू, क्योंकि हमें पता है कि एक्सॉन्स उनके एक्सटेंड करते हैं टुवर्ड्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो उसी एक्सॉनली, उसी एक्सॉन्स के थ्रू क्या होता है कि वो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हाइपोथैलेमस से क्या होते हैं, हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू न्यूरोहाइपोफाइसेस, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। आपको पता होना चाहिए न्यूरोहाइपोफाइसेस तो हम उसको क्यों कह रहे हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई हार्मोन नहीं बन रहा है, लेकिन वहां से रिलीज हो रहे हैं हार्मोन, तो वो हार्मोन्स कहाँ से आ रहे हैं? तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको, तो अब हम डायग्राम देख लेते हैं। तो ये आप डायग्राम देख सकते हो, बहुत इजी डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको शो किए हैं, पेस्ट किए हैं, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो ये क्या है, आपका हाइपोथैलेमस है, ये आपका क्या है, देखो पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड है। यहाँ पे आपको एंटीरियर लोब भी दिखाया है, पोस्टीरियर लोब भी दिखाया है, और जो ये आपका ये पार्ट है स्टॉक जो है, ये क्या है आपका इनफंडिबुलम, ठीक है, ये क्या है आपका इनफंडिबुलम है, इसको पिट्यूटरी स्टॉक भी बोलते हैं। और हमको पता है कि हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इसी स्टॉक से क्या रहता है, आपस में अटैच रहते हैं। और अटैच क्यों रहते हैं? क्योंकि हाइपोथैलेमस से जो हॉर्मोन्स आते हैं वो पिट्यूटरी को रेगुलेट करते हैं, उसको उसके उसको कंट्रोल करते हैं। अब क्या देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी अगर हम देखें, तो जो मेन चीज है, सबसे पहले यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है जो कि स्मॉल लोब होता है, ये आपका पिट्यूटरी स्टॉक हो गया। और एंटीरियर पिट्यूटरी के भी तीन पार्ट है, पार्स ट्यूबुलरिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिस, ठीक है। तो हमें पता है ह्यूमंस में पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज रहते हैं, यानी कि जो ये ग्रीन वाला और जो ये ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये आपस में क्या रहते हैं, मर्ज रहते हैं ऑलमोस्ट। और ये क्या है आपका, पिंक वाला ट्यूबुलरिस है, ठीक है। तो ये था कि कैसे क्या जो है स्ट्रक्चर है आपका पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी का, और होपफुली आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स, अगर आप इनको एग्जाम्स में यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स जो हैं फेच कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन फेच मोर गुड मार्क्स। और यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम भी प्रोवाइड कराए हैं, ये डायग्राम्स भी अगर आप वहाँ पे इतने पार्ट में बना देते हैं तो इट इज मोर देन इनफ, क्योंकि ये बहुत डिटेल में है। आप पिट्यूटरी ग्लैंड के एनाटॉमी भी मैंने आपको यहाँ पे समझाई और उसका डायग्राम भी मैंने आपको बताया, तो इट विल बी ईजी फॉर यू, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट हॉर्मोन्स पढ़ेंगे और क्या उनका फंक्शन होता है वो डिस्कस करेंगे। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।